मैं निसार अहमद, मैं दिल्ली से हूँ और मुझे 4 साल हो गए एथलेटिक ज्वाइन किए हुए और मैं 100 मीटर 200 मीटर इवेंट करता हूँ। मैंने अभी लास्ट टाइम अभी खेलो इंडिया भी किया, उसमें मैंने 10.76 लगाया और मैंने जूनियर नेशनल में भी रिकॉर्ड ब्रेक किया था, अभी नेशनल रिकॉर्ड। मेरी जिद ये है कि मैं अब स्प्रिंटिंग में अच्छा कर पाऊँ और ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करूँ। मैं स्लम से था जहाँ मतलब रहना वहना एक छोटा सा रूम था, उसी में किचन, उसी में ये सब कुछ करना पड़ता था। और कभी कभार तो ऐसा हो गया कि मैं एथलेटिक्स छोड़ने पे आ गया था कि मुझे कोई सपोर्ट नहीं था, क्योंकि मुझे सप्लीमेंट, शूज़, स्पाइक्स अच्छे वो ले नहीं पा रहा था मैं, क्योंकि मेरे पापा रिक्शा चलाते थे और मम्मी काम करती थी। बहुत पानी में उठता हूँ और 5:30 तक अपने जिम में पहुँचता हूँ। निसार स्पोर्ट द इवेंट इज स्प्रिंटिंग, सो जो हमारा मेन फोकस रहता है इट इज़ टू बिल्ड अप हिज एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी। सो हमारे जो वर्कआउट्स रहते हैं इट्स मोर लाइक अ मेटाबॉलिक कंडीशनिंग वर्कआउट्स, जहाँ पे ही इज ट्रेनिंग ऑन हिज फंक्शनैलिटी प्लस ऑन हिज लंग कैपेसिटी। नॉर्मल डाइट के अलावा उसकी फूड सप्लीमेंट जैसे कि प्रोटीन वगैरह है, ये डाइट वो लेता है। हमारा जो पर्पस रहता है इट इज़ टू मेक श्योर दैट ही इज ईटिंग बैलेंस्ड डाइट एंड इट्स मोर एंड मोर कार्ब इन हिज डाइट बिकॉज ऑब्वियसली ही इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ कैलोरीज ड्यूरिंग हिज वर्कआउट्स। हमें स्प्रिंटर को और एथलेटिक्स में बहुत कम सपोर्ट मिलता है। मेरा मानना यह है कि खिलाड़ी को ग्रासरूट लेवल से जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती हैं।